की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में है ना कहें। हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। आई इंट्रोड्यूस द बिल 57 सिक्स शेड्यूल पर चर्चा। श्री निनोंग इरिंग कौन आएगा बुलाइए। धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले तो मैं विंसेंट पाला साहब को इनका ये एक जो प्रस्ताव लाया है कि सिक्स शेड्यूल पे किस प्रकार पे इसको और सशक्त, वो जो बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्राइवेट मेंबर्स बिल, जो इसको सिक्स शेड्यूल को और उसको सशक्त और कैसा शक्तिशाली बना सके, तो उसको मैं मुबारक देना चाहूँगा कि एक अच्छा एक बिल या प्रस्ताव वो लेकर आए। माननीय हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी को भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने कम से कम हमें शुरुआत तो करने दिया, एक घंटा लेट सही, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कभी कभी इसमें हमारा जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम पे आप सब चीज को जबरदस्ती पारित करने के, आपका जो जो बिल्स आते हैं प्रस्ताव उसको पारित करने के लिए जो आप समय सीमा को उसमें आप उसमें गड़बड़ करती है, ये एक गलत बात है। इसको भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उनसे मैं गुंजाइश करता हूं। सबसे पहले तो जिस प्रकार में उन्होंने कहा कि इस बिल को जो प्राइवेट मेंबर्स बिल को पाला साहब ने जो रखा है हमारे बीच कि जो अभी जो 30 सीट्स हैं वहाँ मेघालय में उसको किस प्रकार से उसको 40 सीट बढ़ाया जाए, 10 सीट और का ये देखे, और उनके जो खनन के विषय में जिस प्रकार से वहाँ में हमारा यूरेनियम है, आपका कोयला है और बहुत सारे वहाँ जो पदार्थ है उनको किस प्रकार से वो खनन जो होता है उसको उनको जो क्योंकि जो जमीन है वो राइट्स जो होता है वो उनका होता है, तो इसलिए उनको जो काउंसिल को उसमें यहाँ से जो अगर इसका ये संशोधन पारित होता है इसमें एक मौका देता है लोगों को और सशक्त बनने का और मजबूत बनने का, और जो कस्टमरी रूल्स है कस्टमरी लॉज है उस पर भी एक महत्वपूर्ण एक मुद्दा है, जहाँ अभी जो कानून व्यवस्था है बहुत हमारे पुराने ज़माने में जो लोग जो असली जो कस्टमरी लॉज को महत्वपूर्ण रखते हैं, जैसा अभी भी अरुणाचल प्रदेश में हम उसका उसको दर्जा देते हैं, उसको श्रेय देते हैं कि भाई कस्टमरी लॉज को किस प्रकार से हमको पालन करना होगा, तो उसमें भी हम इसमें उनका चर्चा में आया हुआ है। लेकिन मैंने देखा है कि जो जिस प्रकार से हमारा ऑटोनोमस काउंसिल्स में जो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में जिस प्रकार से इसको घोषित किया गया था उसमें आपने एक ताकत बनाने के लिए उसको शक्तिशाली बनाने के लिए एक शेर तो बना दिया उसको कि वहाँ के जो लोकल ट्राइबल्स या लोकल जनजाति को किस प्रकार से लोगों को अपना स्वयं गवर्नेंस वो कर सकें, लेकिन उसमें हमने देखा है कि आपने एक शेर जैसा चीज तो बना दिया लेकिन उसके दांत और पंजे सब निकाल दिए, तो उसमें कोई पावर ही नहीं रह गया है। और जो आप यहाँ से जो फंडिंग करते हैं, जैसे पहले बार आपने 1000 करोड़ की बात रखी थी लेकिन इस बार हमने सुना है कि उसमें 500 करोड़ का कटौती हुआ है, तो इसमें आप देख लीजिए कि आप इसको और सशक्त बनाने जा रहे हैं लेकिन उसको और उसको कमजोर बना रहे। हम तो चाहते थे कि जैसे अन्य जैसे बोडोलैंड हो या हमारा जो मिजोरम में त्रिपुरा में असम में जो जिस प्रकार से ऑटोनोमस काउंसिल्स हो रहे हैं वैसे ओके सर, तो हमारा अरुणाचल में भी एक मांग है। निनोंग जी एक मिनट, मान्य सदस्यगण, सभापति तालिका के कोई सदस्य उपस्थित नहीं है और परंपरा के अनुसार जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं ऐसी स्थिति में वो आसन पर आके सभा का संचालन करते हैं। मैं आग्रह करता हूं मेहताब जी से कि वो आसन पर आवे और सभा का संचालन करें।
सहमति है। आइए नो वी डोंट हैव दैट चेयरमैन पैनल ऑफ चेयरमैन नहीं है मेहतरी मेहताब साहब प्लीज आपको मुबारक हो प्लीज कंटिन्यू धन्यवाद सर मैं जैसे उदाहरण दे रहा था अरुणाचल प्रदेश में हमारे दो काउंसिल्स के लिए सिफारिश की गई है एक है मौन ऑटोनोमस काउंसिल जो तवांग और वेस्ट कामेंग जिले हैं उसमें दो जिले जो मांग कर रही है और दूसरा है हमारा पटकाई ऑटोनोमस काउंसिल जिसमें तीन जिले हैं वो है तिराप चांगलांग और लोंगडिंग लेकिन उसमें जब आप देखते हैं कि अगर जनजाति है तो बहुत सारे अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे जनजाति हैं तो इसलिए हम भी मांग कर रहे हैं कि जो अरुणाचल का जो जितने भी जनजाति है अगर आप जनजाति के श्रेय से अगर आप इनको ऑटोनोमस काउंसिल का डिमांड होता है तो शायद मैं सोचता हूं कि हमारे जैसे पश्चिम सियांग है पूर्वी सियांग है ऊपरी सियांग है दिबांग है लोअर दिबांग वैली है लोहित है अंजाव है और नामसाई है तो इसको आप अगर चार भागों में इसको कर देते हैं तो उसमें एटलीस्ट दैट मीन्स डाइवर्स नहीं होगा और लोगों में वो जो ग्रम्बलिंग जो है वो नहीं होगा क्योंकि सभी अलग अलग वहाँ बहुत प्रांत के अलग अलग उसमें जनजाति है तो इसलिए एक और उसमें एक प्रस्ताव आना चाहिए एक सिफारिश आना चाहिए कि एक ईस्टर्न पार्ट एक वेस्टर्न पार्ट और एक मिडिल का इसमें एक संशोधन पारित किया जाए कि अरुणाचल प्रदेश में भी तीन ऑटोनोमस काउंसिल का दर्जा उसमें इस सदन में उसको प्रस्ताव को वो पारित करना चाहिए वैसे तो हमारा वहाँ पिछले जो सदन में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो त्रिपुरा से आते हैं जो जहाँ उनका अपना जो ऑटोनोमस काउंसिल है उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि हमारा जो चकमाज है ये चकमाज बांग्लादेश से आए थे वो शरणार्थी थे और अरुणाचल प्रदेश में उनको बसाया गया उनको अभी बस हाल ही में उनको नागरिकता भी दिया गया हम उसका खिलाफ नहीं नागरिकता के खिलाफ हम नहीं हैं लेकिन बात ये है कि जो 1873 बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन के मुताबिक उसके अनुसार जो अरुणाचल प्रदेश उस समय नेफा कहा जाता था वहाँ के जो जनजाति है उन्हीं को श्रेय मिलता है वहाँ का जो लैंड्स का क्लेम का जमीनों का जमीन का क्लेम का अभी आप चकमास को उन्होंने कहा कि इनको भी अरुणाचल प्रदेश का एक जनजाति के रूप में उसको मानना चाहिए और उनका जो अभी इस्टेब्लिशमेंट है उसमें उनको बसाना होगा मैंने कहा कि हम इन जो चकमाज है उनका हम खिलाफ नहीं है भारत सरकार ने उनको नागरिकता दी बहुत ही अच्छा है हम भी स्वीकार करते हमने इतना साल उनको हम शरणार्थी दिए हैं लेकिन उसका ये मतलब नहीं हो कि वो हमारा जमीन हमारा वहाँ का जो नौकरियाँ जो समस्याएं हैं अभी आप देख सकते हैं कि हाल ही में उनके कानून व्यवस्था उन इलाकों में इतना हो गया है कि एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो गया हमारा वहाँ का जनजाति का आबादी वो इतना कम है वो जस्ट डबल हो जाती है तो उसका जो एथनिक जो उसका जो समस्या है वो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि अगर आप चकमा 150,000 हो जाता है और वहाँ का जनजाति सिर्फ 30,000 है तो वो तो उसको ओवर पॉपुलेटेड कर देंगे अभी मिजोरम में हाल ही में एक चर्चा चल रहा है मिजोरम में उनको एक ऑटोनोमी दिया गया है उनको वहाँ का नागरिकता दिया गया अभी वहाँ के जो बच्चे के जो मेडिकल कॉलेजेस में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जब वो अपियर करते हैं तो उनका जो कोटा जो होता है वो पूरा वो ओवरलैप कर देते हैं जैसे
जो चकमाज है उनका जो शिक्षा होता है, उनका जो परवरिश जो होता है, वो सब बाहर होता है, फॉरेन कंट्रीज में भी होती है, क्योंकि दे आर रिकॉग्नाइज्ड रेफ्यूजीज थ्रू द वर्ल्ड। तो उसमें क्या हो जाता है, हमारे जो लोकल लड़के हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, वो उसको कंपीट नहीं कर पाते। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, बहुत बड़ा एक समस्या हो गया है, और हम उसको अरुणाचल में नहीं लाना चाहते। जितेंद्र जी ने कहा, जितेंद्र चौधरी ने कहा कि उनको आप स्वीकार कीजिए, उनको दर्जा देना चाहिए। हम तो कहेंगे हम पूरा दर्जा देंगे उनको, मान्यता देते हम नागरिकता का, लेकिन आप उसको स्वीकार कर लीजिए। हम उनको 40 साल 50 साल हम उनको एक शरणार्थी दिए हैं उनको वहां अरुणाचल प्रदेश में, आप उनको ले जाइए, आप त्रिपुरा ले जाइए, मिजोरम ले जाइए, आप पूरा इंडिया में उसको फैला दीजिए। मैं अरुणाचल में देना है या उनको वहां बसाना है, वो मैं उस विषय में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपका एक कानून है, बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन 1857 में कहा गया है कि जो जनजाति अरुणाचल प्रदेश का में बसा है उस समय का, जो ऑलरेडी शेड्यूल है, वही लोग का हक होता है वहां में बैठने का और वहां का जो सुविधा है उनको लेने का। तो ये चीज को मैं इस सदन में भी लोगों को भी मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूं कि चकमा के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस विषय इतना गंभीर विषय है कि हमको वो ओवर पॉपुलेटेड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है उसका जो एरिया वाइज जो है 83,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, इक्विवेलेंट टू आसाम, लेकिन आबादी जो है वो उसमें सिर्फ 11 लाख। और ये जो चकमाज है, अभी उनका आबादी जब पहले आया था वो करीब 20,000 था, और अभी अनऑफिशियल फिगर्स तो 2 लाख तक पहुंच गया। अभी आप सोचिए कि वो ग्रेजुअली अगर इनको पूरा दर्जा दे देते हैं तो बांग्लादेश के जितने चकमाज भी आ जाएंगे, और चाहे वो मिजोरम के हो, त्रिपुरा के हो, क्योंकि वहां जमीन है, अरुणाचल में जमीन है, वो सब जाके बस जाएंगे, और वहां के जो स्थानीय जो नागरिक है या जनजाति है उन पे बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, एथनिक इम्पैक्ट होगा, जिसमें शायद हम अपना जो आइडेंटिटी भी हम खो जाएंगे। तो इसलिए जो चकमा का जो इश्यू है, इस पे हम हमारा जो वहाँ के स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ के हमारा जो जितने जनजाति है वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें जो सिक्स शेड्यूल में एक मौका मिला है हमको बोलने का, तो मैं यही कहूँगा कि इसको ये जो चकमा इश्यू है इसको इसको पूरी तरह इसको हमको सोचना पड़ेगा भविष्य के लिए। एक और दूसरा बहुत बड़ा समस्या हमारे बीच में आता है कि हमारा वहाँ कुछ जनजाति है तिराप, चांगरांग और लॉन्गडिंग में, उसमें जैसे उनको दर्जा देता है नोक्ते, योबिन, थुच्चा, तांगसा और वांगचू, ये 5 जाति जनजाति है वो अब से नहीं बहुत पहले से अरुणाचल में बसे हैं और अरुणाचल के ही नागरिक है, लेकिन उनको उस समय जब संशोधन हुआ था और जब आपका शेड्यूल बनाया गया था, क्योंकि उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था तो उस समय उनको अदर नागा टाइप्स ट्राइब्स का दर्जा दिया है। नागालैंड में हम नागालैंड के जो जनजाति उनके खिलाफ नहीं बोलते। बहुत लोग मुझसे पूछा कि आप अभ्यास भी किए हैं उनके, इवन जो अल्ट्राज है उन्होंने भी कहा कि भाई आप क्यों इसके हमारा नागास के खिलाफ है। मैंने कहा कोई जनजाति के खिलाफ मैं नहीं हूं, लेकिन अगर आप अपने आप को टांकुल कहते हैं, आप आओ कहते हैं, आप सेमा कहते हैं, आप अंगामी कहते हैं, हमारा वहां का जनजाति को आप क्या नाम से दर्जा देंगे, उनका भी एक जात तो होना चाहिए, उनको आप सिर्फ अदर नागा ट्राइब्स बोल के उसको नहीं रह सकते। जब यूपीएससी एग्जाम्स में हमारे बच्चे देने जाते हैं उनको पूछता है कि भाई आपका एसटी क्या है, सर्टिफिकेट क्या है, आप जनजाति किस जनजाति का है, तब उनको बहुत बड़ा मुश्किल होता है। वो अदर नागा ट्राइब्स देने से What other Naga tribes? Are you a Sema? Are you a Tangkul? Are you a Ao? Are you an Angami? ये पूछते हैं। तो उसको even competitive exams में भी उनको उनका nominations reject हो जाते हैं। आपका जितने भी केंद्र सरकार के जितना नौकरियां, चाहे वो railways में हो, चाहे वो army में हो, paramilitary forces में हो, सब में उसको reject किया जाता है। तो
तो इस विषय में मैंने कई बार हमारा मंत्री साहब को भी बोला है, जवाहरलाल साहब को अभी ने बहुत पहले से, पिछले समय से जब मैं एक एमओएस था इन अरुणाचल, उस समय में वो भाजपा समय में वो यहाँ मंत्री थे, उस समय भी इस प्रपोजल को हमने दिया। उसके बाद हमारा सरकार आया, यूपीए की सरकार आया, और फिर भी उसका अभी तक, आप सोचिए 40 साल से हम लड़ रहे हैं इसको और अभी तक वो दर्जा नहीं दिया गया। मैं सोचता हूँ जैसे इस बार जो रजिस्ट्रार के जो जितने भी लिखा जो कि जो था वो हमारा पूरा हो गया है, इस बार इसको हम सोच रहे थे इस सत्र में इसको पारित किया जाए कि इन लोगों को जो दुख तकलीफ से जी रहे हैं, जो 5 दिन 7 दिन पैदल मार्च जूक और सांप के बीच में जो रह रहे हैं, उनको भी कम से कम एक इंसानियत के रूप में भी उनको एक मान्यता देना चाहिए। मैं कहूंगा कि जो पहले में अभी 2 साल पहले हमारे 2 गोपनीय बात निकला था 2015 में, जिसका जिक्र शायद हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री को भी है, और जो यूपी के चुनाव में उसे कई बार उन्होंने लोगों से पूछा, उन्होंने पूछा था कि भाई एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत एक गुप्त वाली बात है कि भाई बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। मैं अभी उसका तो अभी हमारा वो सवाल तो उसका जवाब तो हमारा मिल गया कि क्यों बाहुबली को कटप्पा ने मारा, लेकिन अभी भी हमारे एक बहुत बड़ा एक दूसरा जो हमारा जो गोपनीय चीज था हमारा अरुणाचल प्रदेश के लिए और हमारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, कि हमारे केंद्र सरकार और नागालैंड के जो एनएससीएन आईएम के बीच में एक समझौता हुआ था और वो अभी भी गोपनीय है। अभी 2 साल हो चुका है और किसी को भी पता नहीं है। गृहमंत्री हमारा एमओएस गृहमंत्री वो हमारे अपने इलाके के ही हैं। मैं उनसे पूछा है कि व्हाट इज द रिकॉर्ड, उनके बीच में क्या समझौता हुआ है, क्या अरुणाचल के नागा डोमिनेटेड एरियाज को उनको देंगे या मणिपुर के डोमिनेटेड एरियाज को देंगे, असम के डोमिनेटेड एरियाज को देंगे, उसमें चर्चा होती है, लेकिन कोई किसी का इसका सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। तो ये भी एक बहुत एक बड़ा समस्या है। आपने समझौता किया है, हम उसका श्रेय आपको देते हैं, हम मानते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन एनएससीएन आईएम और हमारा सरकार का बीच में जब समझौता हुआ है तो आफ्सपा का जरूरी क्या है अरुणाचल प्रदेश में, या नागालैंड में वो क्यों जरूरी है, या मणिपुर में क्यों जरूरी है? क्योंकि उसमें एक समझौता था कि जो अंडरग्राउंड के लोग हैं वो ओवरग्राउंड आना चाहते हैं, और इसलिए उसमें तो समस्या ही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में तो ऐसे भी पीस लविंग स्टेट है, वहां लोगों को अभी फॉल्स एनकाउंटर में उनको अटैक होता है उनके ऊपर, उनका जो अननेसेसरी लोगों को आई टेल यू नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, हम लागू कराना है, तो इसलिए ये जो एनएससीएन वाला जो इश्यू है, ऑलरेडी जब आप मसला ही आप उसको सुलझा दिया है, समस्या ही सुलझा दिया है, तो आसपा का क्यों जरूरी, इसको क्यों लागू करना? ये तो ऐसा ड्रकोनियन लॉ है कि इसको हटाना नहीं, उसको पूरा उसको कानून को ही उसको हटा देना चाहिए, इट शुड बी रिपील्ड। मैं तो यही कहूंगा कि जो आसपा है इसको रिपील करना चाहिए, और खासतौर हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में इसको लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें दूसरा लोगों को एडवांटेज होता है। नहीं, हमारा वो मंत्री सर तो है ही है, वो काफी उसका तजुर्बा है अरुणाचल प्रदेश के विषय में, वो वहाँ जनरल थे, तो वी हैव टू अप्रिशिएट हिम ऑल्सो, उनका भी बहुत उसमें ये उनका कंट्रीब्यूशन है अरुणाचल प्रदेश। और सो ये अभी जो अंत में, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, बट
हमारा जो कर्तव्य होता है, you have already taken 20 minutes. No, no, sir. It's okay. Please. You can go for half an hour also, for 1 hour. But of course, I won't take much time because already 1 hour, you have 1 hour, we have already spent. So there are other speakers also. लेकिन सर मैं यही कहूंगा कि जो अपना कर्म का जो बात होता है, मैं भी कभी कभी मैं उत्तेजित हो जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे जो जिस प्रकार से हमारे जो इलाके हैं, अभी आप चीन का जैसे अभी समस्या है, इट इज़ नॉट इन कनेक्शन विद दिस थिंग विद द सिक्स शेड्यूल, लेकिन वो जनजाति का बात जब आ जाती है तो चीन में भी वैसे लोग हैं जैसे हमारे हैं, लेकिन वहाँ में जो होते हैं वो चीनी भाषा बोलते हैं, जैसे ईदू है वहाँ ईदू जात है, यहाँ भी है, वहाँ बोकार है, हमारा भी बोकार है, तो वहाँ में ऐसा होता है कि वो अपना भाषा बोलते हैं, हमारा आदि भी अपना भाषा बोलते हैं, लेकिन वहाँ के लोग चीनी बोलते हैं और हम हिंदुस्तानी बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, तो उसी से हम पहचान जाते हैं कि वो चीनी है कि इंडियन है। कई बार उनको पकड़ के हम यहाँ इवन दिल्ली तक उनको लाना पड़ा, यहाँ से उनको दे हैड टू बी अगेन टेकन बैक टू चाइना। तो लेकिन उस इलाके के लिए आप जब सोचेंगे, जहाँ आप सर विश्वास नहीं करेंगे, आप 5 दिन 7 दिन तक आप मार्च करना होगा। अभी मैं खुद वहाँ जा रहा हूँ, विजयनगर एक जगह है जहाँ योबिन रहते हैं, वहाँ से उनको कितना कष्ट होके उनको आना पड़ता है, 7 दिन जाने में 7 दिन आने में। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब वहाँ से लोग आते हैं तो रास्ता में जो बीमारी है कभी कभी वहाँ उनका ध्यान हो जाता है, और उनका जो अंतिम जो क्रियाकर्म भी वो रास्ता में करना पड़ता है। तो इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट, और हम किस आधुनिक युग में हैं उसको भी हमको सोचना चाहिए। सर यद्यपि सम ना ही राग न रोषु, गई न पाप पुण्य गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, सो जस करे सो तस फल चाखा। हम जैसे सब सांसद हैं, हमारे लिए भी आप सोचिए, मैं यूपीए सरकार एनडीए सरकार में नहीं कहूंगा, मैं अपना वहां के लोगों के लिए मैं कहूंगा कि आप अब बोलते हैं कि भाई चीन के साथ हम सशक्त, हम लड़ सकते हैं, आप जानते हैं कि वहां क्या पोजीशन है। अभी हमारा छोटा भाई गृह मंत्री आ गए, आप गेलिंग में जाइए, आप किबितो में जाइए, आप चगलाम में जाइए, आप इवन तवांग में भी जाइए, ठीक है तवांग वी कैन से इट इज स्लाइटली अपडेटेड, वहां बोफर्स गन जो होता है जिसके खिलाफ आप सब हमको यू नो ऑलवेज इस मुद्दा को आप लेते हैं, अगर वो बोफर्स गन नहीं होते तो उन इलाकों में तो कोई बंदूक ही नहीं चलेगा, वहां ओनली द बोफर्स गो। आप टैंक्सों की बात कर रहे थे कि आप लॉन्गेस्ट ब्रिज में आप टैंक चलाएंगे, आप जानते हैं वो अनिनी कहाँ है, आप जानते हैं कहाँ रोइंग कहाँ है, मायोडिया कहाँ है, ये सब पर्यटक जगह है, वहाँ के लोग अभी उभर के आए हैं, समय लगेगा, बट यू हैव टू गिव देम दैट रेस्पेक्ट, यू हैव टू गिव सम लव एंड अफेक्शन फॉर देम। मैं कहूँगा कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, हमारे वहाँ के लोग कितना दिन तक वो सह सकेंगे, ऐसा ना हो कि हमारा जो प्रिय दोस्त और हमारा छोटा भाई किरण रिजिजू साहब बैठे हैं, ऐसा ना हो कि हम दोनों भी अलग हो जाए। जब छोटे छोटे राज गोरखालैंड मांग रहे हैं, बोडोलैंड मांग रहे हैं, त्रिपुरा में एक राज मांग रही है, छोटे छोटे जो हमारे इवन एक जिला के समान भी नहीं है, अगर वो मांगते हैं तो क्या हम अरुणाचल को 50-50 नहीं मांग सकते हैं? हम भी मांग सकते हैं, क्योंकि वहां में जो डेवलपमेंट है वो कुछ हो ही नहीं रहा, विकास नहीं हो रहा है, रोड्स नहीं हो रहे, जाके घोषणा बड़े बड़े करते हैं, लेकिन लोगों का दुख तकलीफ जो खून पसीना से वहां रह रहे हैं, जो एकदम सीमाओं में हमारा जो आर्मी के साथ वो है, वो अपने आप को भारतीय एक नागरिक को और उसका जो अखंडता और एकता को जो आगे ले जा रहे हैं, मैं कह सकता हूं राष्ट्रवादी अब कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के लोग जितना राष्ट्रवादी है शायद कोई स्टेट में जिला में भारत में नहीं होगा। हम अभी भी लोगों को हम जय हिंद करके हम पुकारते हैं, तो जय हिंद का मतलब यह है कि हम भारतीय नागरिक हैं, चाहे चीन आओ, चाहे पाकिस्तान आओ, या कोई भी कहीं राज्य देश से आओ, हम उसको लड़ने के लिए हम ताकतवर हैं, हम आपके साथ हैं, आर्मी के साथ हैं, जवानों के साथ हैं, फौजियों के समान हैं। इसलिए मैं कहूँगा अंत में कि जो हमारे विंसेंट पाला साहब ने ये प्रस्ताव लाया है, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ, इसको और शक्तिशाली बनाना होगा, और हमारा जो प्रस्ताव भी रखें कि एक मॉन डिस्ट्रिक्ट का
हमारा वो पटकाई रीजन का और एक सेंट्रल अरुणाचल का एक अलग यू नो जो सिक्स शेड्यूल इसमें भी लागू करना है, ताकि वहाँ के लोगों को एटलीस्ट एक स्वयं एक अपना स्वयं रूप से वो वहाँ का विकास का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मौका दिया है, बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद।